हरियाणा के करनाल में शहीद भगत सिंह जन्म दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दिग्विजय चौटाला ने शिरकत की, जहां दिग्विजय का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर दिग्विजय ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। दिग्विजय ने कहा कि भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश की आजादी में अहम योगदान दिया। शहीद आजम भगत सिंह जी को नमन करते हैं, उनका 110वां जन्मदिवस आज यहाँ के नौजवान साथी जो फेडरेशन है शहीद आजम भगत सिंह फेडरेशन मना रही है। और मेरा तो परम सौभाग्य है कि मुझे इस लायक इन लोगों ने समझा कि मैं शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मदिवस पर आके उन्हें नमन कर सकूँ, उन्हें याद कर सकूँ, मुझे बोलने का अवसर दिया। आज आवश्यकता है कि उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जाए, और वो तभी पूरे होंगे जब जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर देश के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए सब लोग संगठित होकर और इस देश को पूंजीवाद की गुलामियों से, उन जंजीरों से जिनने जकड़ा हुआ है इस देश को, उससे इस देश को निकाल कर इस देश को प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, जहां हर घर में बिजली पानी रोजगार और जो है ना किसान को बेहतरी मिले, उसको मजबूती मिले, गरीब को ताकत मिले, ये उन लोगों के सपने थे जो उन लोगों ने इस देश के लिए देखे। मैं ये समझता हूँ कि हम सिर्फ और सिर्फ 10 15 20 लोगों का गिना चुना देश बनकर के ना रह जाएं, उनके जेब की पूंजी ना बनकर के रह जाएं, बल्कि हर व्यक्ति। आपको बता दें कि इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान कर एक मिसाल पेश की। करनाल से सनी चौधरी की रिपोर्ट।